जय श्री श्याम गाइस, जय माता दी। तो आज है राव नवमी और मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मेरी, जैसे मैंने आपको बताया था सुबह की, मेरी अर्ली मॉर्निंग की है ब्राइड, तो अभी कर रहे हैं हम ब्राइडल, उसके बाद आएंगे पार्टी मेकअप और शाम को भी है मेकअप। तो आज सारा दिन बिजी शेड्यूल है और आज करिश्मा मैम भी बाहर मेकअप करने जा रही है फ्रीलांसिंग के लिए। तो गाइज आजकल करिश्मा भी मेकअप करने लग गई है बहुत अच्छे अच्छे, तो कॉन्टेक्ट नंबर दे दो नहीं देगी। और करिश्मा कल बुआ बनी है, तो गाइस कल करिश्मा बुआ बन गई। करिश्मा बुआ बन गई और क्या, मिठाई विठाई नहीं लाएगी, ये बुआ बन गई है ये। आज बस हो गए नवरात्र, बताओ गोलगप्पे खिलाएगी भाई। चलो हम तो गोलगप्पे में खुश हो जाएंगे। और मानसी, और दोनों मानसी नीचे है ना। आज मेरी टीम ने फाइनली ग्रीन डाल लिया है। और गाइज अब ये पिंक में बिल्कुल नहीं आएंगे, देखो आप ग्रीन में कितने प्यारे लग रहे हैं। ये आई मीन बोलते रहते हैं ग्रीन तो बहुत अच्छा होता है, पता है ना तेरे को। और ये यहाँ बैठी है सुस्त राम इसका ये रहता है। गाइज आप एक बात बताना, क्या मैं इसकी बेइज्जती करती हूँ? मम्मियाँ बेइज्जती कर सकती है, वो बात अलग है कि इज्जत से बेइज्जती करते, पर मैं बेइज्जती नहीं करती हूँ बिल्कुल नहीं। तो मम्मा पहले वाला व्लॉग डाला नहीं, बना के तो भाई वो डाउनलोड नहीं हो रहा, ऐप में दिक्कत आ रही है। चलो डालती हूँ, लेट डालती हूँ बस। हमारी ब्राइड का भी हाफ हुआ है और उधर पार्टी मेकअप चल रहे हैं, सामने हमारा प्री ब्राइड चल रहा है जो हम दिखाएंगे नहीं। बेचारी कैंसिल कर देती है, फिर हाँ भर देती है, कैंसिल कर देती है। ऐसी ऐसी ब्राइडल्स आ रही है जी मेरे पास, यस नो यस नो, ये भी क्या करे, इसकी भी मजबूरी है। पर अब आई होप सो अब ना ना हो। क्या हो गया, क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? काम करते ऐसे ही बंद कर देते हैं, बताते नहीं है और काम हो जाता है। सबको पता है मेकअप के टाइम पे एसी की कितनी ज़्यादा नीड होती है, समझे? कुछ कहने वाले थे आप, बता क्या बोलूँ, क्या बुलवाना है? इंट्रोड्यूस करवाओ। किससे कराऊँ, किसे कराऊँ? सारी मेरी फैमिली बैठी है, बता किससे कराऊँ? चलो एक करके सबसे करा दो, एक एक से सबसे करा दो। पता है तेरा और इसका कनेक्शन है, बताती हूँ कैसे। उस दिन तूने मेकअप कराने आना था, तेरा रिंग सेरेमनी का था और उस दिन इसने आना था, तेरा कैंसिल हुआ उसके लिए, मतलब रिंग सेरेमनी कट के तेरा ब्राइडल हुआ। फिर इसका भी आना कैंसिल हो गया, ये लेट होगी, मेरी अखंड ज्योति मैं घर चलेगी। आज तू आई हुई थी तो ये आई हुई है, तुम्हारा दोनों का कनेक्शन है। देख लो कितने साल पहले, वो इतने वो हुए गार्ड्स जो वाला दे दो मुझे, इतनी जल्दबाजी 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 नहीं है भाई, छोरी है मेरी जिसको मैं तैयार कर रही हूँ। अब सब यही बोलेंगे, तुम तो सबको छोरी बोलते हो, सभी यही बोलेंगे, आपकी तो सारी बेटियां हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरी भांजी, आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा, तो आज इसका मेकअप कर रही हूँ, हल्का सा लाइट मेकअप। और कौन आया हुआ है? और नहीं बताऊंगी, और नहीं बताऊंगी, कुछ चीजें राज नहीं तो राज अच्छी बात है। तो मम्मा आई मिस प्रियंका, प्रियंका जल्दी से आजा, देख तेरी ड्यूटियां मुझे करनी पड़ रही हैं। खुशी से नहीं बैठी, आ जाएगी जल्दी, आज उसका मन था, लेकिन मैंने उसको 19 के लिए भी बोला है, शाइन स्प्रे दे दो एक बार। तो आ जाओ भाई, प्रियंका दीदी देखो सब लाइन में लगे हुए हैं। तो गाइस हमारे सिंपल मेकअप हो चुके हैं डन, और आज मेकअप था हमारी चाची का इसलिए मैंने बताने से मना किया था अंश को, ये मेरी चाची है और इनका मैंने सुपर सा प्यारा सा मेकअप किया है। तो चाची बताओ कैसे लग रहे हो कितना प्राउड मोमेंट होता है जब आपके माँ बाप आपके सलोन पे आते हैं और काम कराते हैं, तो बहुत खुशी होती है। हम तो काले काले आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे लाइटिंग कम आ रही है अंश, कम आ रही है लाइटिंग, और पीछे भी कोई है। तो गाइस ये मेरी भांजी और ये मेरी चाची, यानी कि ये बहू ये सास, अब आप कंफ्यूज होते रहना, सोचते रहना कि ये मेरी चाची ये मेरी भांजी कैसे और ये सास बहू कैसे। अब ये छोड़ा मैंने आपके ऊपर, तो आप देख सकते हो बिल्कुल सिंपल सोबर सा मेकअप दिया है, बिल्कुल प्यारा स्लीक सा। और आज हमारी प्रियंका नीचे तो हेड भी मैंने बनाया,
तो बता कैसी लग रही है तुझको? पक्का है या मेरी मासी के साथ खड़ी हो? कहना पड़ेगा भाई, मासी के साथ खड़ी है, वो झूठ नहीं बोलेगी, वो सच बताएगी, तो आप यकीन कर लेना ये अच्छी लग रही है। गाइस कौन कहता है मेरी मम्मी सिर्फ मेकअप करती है? आज मम्मी ने हेयर स्टाइल भी किया, इवन थ्रेडिंग भी। मम्मा और कोई एक्सपीरियंस? मैं सुबह लॉन मम्मी भी करके आई। हाँ, आज के साथ साथ हाथ भी तला, हाथ भी तल गया मम्मा का पूरा, ऐसे अंगूठा है ना ऐसे जल गया। कहाँ से आए हो आप? हिसार से। और आपको सजेशन किसने दिया है? मैंने आपके इंस्टाग्राम पे वीडियोस देखी थी। ओके, तब आपको मेकअप अच्छा लगा? तो गाइज ये हिसार से आए, तो आपको मेकअप कैसा लगा? बहुत अच्छा। पक्का? सर्विसेज कैसी थी आज? बहुत अच्छी, थैंक यू। तो गाइज आज है नेक्स्ट डे और अभी हम शॉप पे आए हैं और ऊपर अपना आया हुआ है हाइड्रा। जिनका हाइड्रा है वो है मेरी पहले ब्राइडल, रह चुकी हैं। एक्चुअली उन्होंने हमारे सिर्फ मेकअप पे ट्रस्ट करके वो यहाँ आए थे। हमारा मेकअप था और प्रीतम भी नहीं था, बट आज उनका हाइड्रा फेशियल है। उस टाइम चेंज हो गया था उनका मूड, वो वहीं से करा के आए थे, बट आज वो हमसे। अच्छा लगता है जब आप लोग ब्राइडल कराने के बाद, साल बाद, दो साल बाद, डेढ़ साल बाद, जब भी आप हमसे मिलते हैं, हमें आप लोगों को देख के बहुत खुशी होती है कि बच्चे खुश हैं। तो बस ऐसे ही आप लोग अपना हमसे प्यार बनाए रखें, और ऑल जितनी भी मेरी ब्राइडल होके जा चुकी हैं उनको सबको थैंक यू सो मच कि आप नेक्स्ट टाइम आते हो, मुझ पर ट्रस्ट करते हो, तो थैंक यू। और हमारे घर आ रही है शादी, हमारे घर में आ रही है शादी, ब्याह। तो अब वो भी तैयारियां चलेंगी और देखते हैं, उस दिन काम भी है तो काम भी करना जरूरी है और शादी भी अटेंड करनी जरूरी है, तो देखते हैं कब तो ये क्या भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब आप थैंक यू सो मच, जो पिछला मेरा व्लॉग गया है सबने घर का व्लॉग बहुत पसंद किया है, सबके मुझे कमेंट भी आए हैं और मुझे कॉल भी आया कि दीदी हाँ ऐसे व्लॉग बनाया करो। तो गाइस देखते हैं, अब थोड़ा थोड़ा घर से भी लेना शुरू करेंगे और ये मैम थोड़ी सी फ्री हो जाए तो अपने ब्लॉग को रेगुलर करें। मेरा एक्चुअल में सिक्स्थ सेमेस्टर चल रहा है, तो इसके बाद तो मैं फ्री हूँ 4 महीने, कोई कुछ करने तो डेली आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिला करेंगी, लेकिन एग्जाम के बाद अभी डेट शीट भी नहीं आई है। चलो चलो ऊपर। हाँ आ जाओ ऊपर, आएगी ऊपर जाना, आ जाओ खोल दो क्या, आओ आओ जल्दी आओ आओ जल्दी आओ, चल फिर मैं जा रही हूँ, बाय। इसका तो छोना ही खत्म नहीं होता, देख लो भाई एसी चल जाए और गुन को सोना दे दो। गुन गुन कोई बुला रहा है देख ले, तेरे को सुन ले ना, कोई बाहर ढोलक वाला है उसको भगाया जा, बाहर बुला रहा है, जाती नहीं, दे दे जवाब।